नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। शुक्रिया मोदी भाईजान के जरिए अभियान चलाएगी बीजेपी। भगवान राम मुस्लिमों के भी हैं का एहसास करवाएगी बीजेपी। मुस्लिमों के भी हैं भगवान राम, इसका एहसास करवाएगी बीजेपी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुस्लिम लोगों की भी भागीदारी होगी, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मदरसों से कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी मंथन किया जाएगा। 12 जनवरी को शुरू होगा शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। मुस्लिम हित में फैसले किए जाएंगे और मुस्लिम हित में फैसले का प्रचार करेगी बीजेपी। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता ये पूरा कार्यभार संभालेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रिया के जरिए यानी कि इस अभियान के जरिए मुस्लिमों के हित में किए जो फैसले हैं उसका प्रचार करेगी शुक्रिया मोदी भाईजान के जरिए अभियान चलाएगी बीजेपी और मुस्लिमों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भगवान राम मुस्लिमों के भी हैं, इसका भी एहसास कराएगी बीजेपी। क्योंकि एक बड़ी बात आपको बता दें कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर कई तरह तरह के कयास जो है वो लगाए जाते हैं। और हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी जी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। एस के जी, इस अभियान के जरिए कैसे ये कह लीजिए कि मुस्लिमों को जोड़ा जाएगा, किस तरह से जो मुस्लिमों के हित में फैसले लिए गए हैं उसका प्रचार किया जाएगा, क्या रणनीति बनाई गई है इसके लिए? पार्टी लगातार प्रदेश भर में अलग अलग तरीके के अभियान चला रही है। इन अभियानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को सभी वर्गों को सभी समुदायों को जोड़ा जाए। क्योंकि सुक्रिया मोदी भाईजान करके बीजेपी एक अभियान चलाने जा रही है। हालांकि ये अभियान भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक यूनिट चलाएगी जो कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चा है। कुंवर बासित अली उसके प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से यह अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाएगा। इसमें इस अभियान को लेकर कई तरह की चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, चूंकि भगवान किसी एक धर्म या जाति विशेष के नहीं होते हैं, भगवान सभी के होते हैं, ऐसा मैसेज लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो मुस्लिमों के बीच जाएगा, उनको भी बताएगा कि भगवान राम सभी के हैं, न केवल हिंदुओं के ही हैं। आप लोग भी उस पूरे अभियान में शामिल हों, उस कार्यक्रम में शामिल हों और देश के इस सबसे बड़े आयोजन के गवाह बने। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाने जा रहा है। हालांकि इसमें कई और चीजें भी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से की गई हैं, उन तैयारियों को और बृहद रूप कैसे दिया जाए, मुस्लिमों तक उस मैसेज को कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा काम करने जा रहा है। जिसमें खास बात यह होगी कि आपने अभी दो दिन पहले ही एक बार आई थी कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में भी 22 तारीख के जो आयोजन होंगे उनका सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि कैदी भी उनको देख सके। अब मदरसों में भी इस चीज को कैसे पहुंचाया जाए, जो मदरसे के बच्चे हैं, जो मदरसे के शिक्षक या जो स्टाफ हैं वो भी इस मूवमेंट के गवाह बने, उन तक इन चीजों को कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है और अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को इस काम में लगाया गया है। खासतौर पर जो मुस्लिमों के लिए योजनाएं चलाई गई, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, खाद्यान्न वितरण का मुद्दा रहा हो, या बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं से जमीन खाली कराकर उनके आवास देने का मुद्दा रहा हो। अगर हम प्रयागराज की बात करें, अतीक अहमद के जो कब्जे थे उनसे जो जमीन खाली कराई गई उसमें ज्यादातर आवास अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिए गए। लखनऊ में जो जमीन मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई है उसमें जो ज्यादातर बुकिंग हो रही है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी, जब ये अभियान चलेगा तो इन चीजों को भी मुस्लिमों को बताने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी की कब से इस अभियान की शुरुआत होगी। क्योंकि देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उसकी तारीख जो है वो बहुत ही नजदीक आ रही है। ऐसे में अगर हम पूरे देश की बात कर ले तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही। बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में भी भगवान राम को लेकर वहां पर दोनों ही समुदाय जो है वो मिलकर इसे उत्साह की तरह मनाएंगे इस पूरे पर्व को।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 22 तारीख को आयोजन होना है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे अभियान को लेकर अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहा है इस अभियान को लेकर, उनके साथ में जनसंपर्क कर जो समर्थन है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 12 जनवरी से ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिले होंगे, बीजेपी के जो संगठनात्मक जिले हैं 98, उसके अलावा जो बीजेपी के सेक्टर हैं, साथ ही साथ जो जिले हैं, जिला स्तर के जो संगठन हैं, वहां पर भी बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यह अभियान चलाएगा। तो सीधे तौर पर इस 12 जनवरी के अभियान को लेकर तैयारियां अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरी कर ली है और इनके जरिए ही एक मैसेज देने की कोशिश होगी, एक समरसता बनाने की कोशिश होगी कि जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत काम किया जा रहा है। किसी भी धर्म विशेष को लेकर बीजेपी के प्रति कोई अलग राय किसी की ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रयास इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी का होगा। जी बहुत बहुत आपका, आप हमारे साथ बने रहिए एसके जी, आपके पास लौटते हैं। जिस तरह से आपने भी बताया कि एकता का प्रतीक होगा और इस अभियान के जरिए एकता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी।